आप देख रहे हैं आर राष्ट्रीय न्यूज चैनल। हम बताएंगे आपको राष्ट्र की बात हक में, क्योंकि हमें है हक बेवा कहने का। जबलपुर में नगर निगम और प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए सभी विज्ञापनों को आचार संहिता के लगते ही हटा दिया गया, लेकिन जबलपुर के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की दीवार पर लाडली बहना योजना के विज्ञापनों को अभी नहीं हटाया गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस के नेता सौरभ नाथी शर्मा ने कहा कि अब इसकी शिकायत चुनाव आयुक्त से वो करेंगे। सौरभ ने जबलपुर कलेक्टर को हटाने की भी मांग की। कर्मचारी होते हैं उसकी सैलरी की तुलना में उसकी सैलरी आधी होती है, अतः हमारे द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि होमगार्ड के सैनिकों को भी वही सुविधाएँ प्राप्त हुए जो सुविधाएँ एक पुलिस के कर्मचारियों को मिलती है, क्योंकि जो कार्य पुलिस के सैनिक करते हैं कमोबेश वही कार्य होमगार्ड के सैनिक करते हैं। अतः जब एक काम तो एक वेतन का नियम इन पे भी लागू होना चाहिए। भारत सरकार के कई राज्यों में ऐसा प्रावधान हो चुका है या होने की दिशा में कई राज्य प्रयासरत हैं कि होमगार्ड के सैनिकों की भी सैलरी लगभग जो नियमित पुलिस कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी के समकक्ष हो या उनसे थोड़ी कम हो, पर अंतर आधे का ना हो। इन लोगों की सैलरी लगभग 27,000 रहती है होमगार्ड के सैनिकों की, और वहीं पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी लगभग 45,000 होती है। अतः और असमान सैलरी में इतनी असमानता रहती है और काम जबकि दोनों के द्वारा एक ही प्रकार का किया जाता है। अतः हमारे द्वारा यह कोशिश प्रयासरत है कि माननीय न्यायालय इसको ध्यान दें और उनको उचित न्याय देने की कोशिश करें। नाम आपका? मेरा नाम विहाग दुबे। मेरे द्वारा इस समय लगभग मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों की लोगों की चिकित्साएँ मेरे द्वारा लगी हैं, जिसने 60 से 62 वर्ष कराना, सेवानिवृत्ति की आयु और कॉल ऑफ 2 महीने का जो कॉल ऑफ होता है उसके बाबत, और जो संचिति निधि होती है उसके बाबत मेरे द्वारा पिटीशन फाइल की गई।